हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिल्म बेस्ट। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग की जो डोमेन को मतलब प्रो होस्टी डोमेन को कैसे आप लोग की वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे आप लोग की जो प्रो होस्टी डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ईजी स्टेप के साथ मैं आप लोग को बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे जाके चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग वर्डप्रेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली तो सिंपल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग इस साइट के अंदर आ जाओ, prohosty.com साइट के अंदर आ जाओ और आप लोग की सी पैनल को भी ओपन कर लो अगर आप लोग के पास वर्डप्रेस है तो। बहुत लोग को ये ज़रूरत था कैसे आप लोग प्रोहोस्ट डोमेन को वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो इसीलिए अगर आप लोग के पास वर्डप्रेस है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसी साइट से आप लोग खरीद सकते हो आप लोग की होस्टिंग, जो कि बहुत चीप प्राइस के अंदर आप लोग को बहुत अच्छी होस्टिंग मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने ये डोमेन बाय करा था, तो इसको हम लोगों ने जो पिछले वीडियो के अंदर ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करा था, इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसीलिए पहले आप लोग को ओपन करना पड़ेगा आप लोग की सी पैनल हो या डायरेक्ट एडमिन पैनल हो, जो भी हो। तो ओपन करने के बाद ना आप लोग इस डोमेन को ऐड करोगे यहाँ पे। तो कैसे ऐड करोगे, अगर आप लोग के पास डायरेक्ट एडमिन पैनल है ना, तो सिंपल यहाँ पे डोमेन सेटअप के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप लोग के पास सी पैनल है तो आप लोग एड ऑन डोमेन के अंदर जा सकते हो। ओके, तो सिंपल आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डोमेन सेटअप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू करके ऑप्शन आ रहा है ना, तो सिंपल आप लोग को उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग की डोमेन की नेम आप लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा और ये जो डोमेन नेम है ना उसे कॉपी करके उधर पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल हम लोग चलते हैं डोमेन के अंदर और यहाँ पे डोमेन सेक्शन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे रहा हमारा जो डोमेन। ओके, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करा मैंने और सिंपल आप लोग को जाना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही पेस्ट करोगे यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन देखने को बेसिकली मिल रहा है ना, तो सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डोमेन क्रिएटेड ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप लोग को बैक आ जाना पड़ेगा। ओके, जैसे ही बैक आओगी तो अभी आप लोग को जाना पड़ेगा, सिंपल आप लोग को वर्डप्रेस के अंदर जाना पड़ेगा। सिंपल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करोगी, जैसे ही आप वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करोगी यहाँ पे आप लोग को देखने को बेसिकली मिल जाएगी इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाएगा हमारा। बट उससे पहले आप लोग को और एक चीज़ करना पड़ेगा, सिंपल आप लोग को जाना पड़ेगा इसके अंदर और जैसे ही जाओगी तो यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा नेम सर्वर। ओके, तो सिंपल नेम सर्वर के ऊपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने जो ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये जो चार नेम सर्वर को ऐड करा था ना, तो सिंपल आप लोग इस चार नेम सर्वर को यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि ये ब्लॉगर के लिए था। अगर आप लोग वर्डप्रेस के अंदर आप लोग की डोमेन को ऐड करना चाहते हो तो बेसिकली ये चारों को आप लोग को हटाना पड़ेगा और आप लोग जाके आप लोग जहाँ पे भी होस्टिंग बाय करी होगी उसी होस्टिंग की जो नेम सर्वर होगा उसे लाके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, मेरी होस्टिंग की नेम सर्वर को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही नेम सर्वर यहाँ पे ऐड करोगी उसके बाद यहाँ पे चेंज नेम सर्वर के ऊपर क्लिक करोगी। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करो, यूज कस्टम नेम सर्वर आप लोग को चूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल उसके बाद चेंज नेम सर्वर के ऊपर क्लिक करोगी। तो जैसे ही नेम सर्वर के ऊपर क्लिक करोगी ना, आपकी जो नेम सर्वर होगा वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चेंज सेव्ड सक्सेसफुली, और सक्सेसफुल होने के बाद ना आप लोग अभी क्या करोगे, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे आ जाओ और अभी यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन बेसिकली देखने को मिल रहा है। सिंपल इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करोगे
तो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग की जो डोमेन को यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल मैंने डोमेन को सिलेक्ट करा और यहाँ पे WP को हटा देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो साइट के नेम यहाँ पे ऐड करो, उसके बाद साइट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करो, और अभी यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम और पासवर्ड। तो सिंपल यहाँ पे यूज़र नेम इसी को हम लोग रख लेते हैं ओके, और पासवर्ड हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग रख लेते हैं ओके, हाइड कर लेता हूँ मैं। ओके यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड कर चुकी हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी ऑलरेडी बन चुकी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस ओके। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी भी बना चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे आओगी कौन सी भी एक जो भी थीम आप लोग को पसंद आती है ना वो थीम को सिंपल चूज करो। यहाँ पे सिलेक्ट थीम के ऊपर क्लिक करोगी ओके, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल की बटन में आप लोग को बेसिकल देखने को मिल रहा है, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग की जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी देर में ये कंप्लीट भी हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोग क्या करेंगे ना उसे अभी ओपन करेंगे ओके, ये कुछ देर लेती है, जैसे कि आप लोग की ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करने में कुछ टाइम लिया था उसी तरह अभी आप लोग को ये देखने को बेसिकली नहीं मिलेगा। बट कुछ देर के बाद ये जब नेम सर्वर चेंज हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी ना, तब यहाँ पे आप लोग आके चेक भी कर सकते हो कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं ओके। अभी ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, जैसे कि ब्लॉगर के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर ये ठीक ठाक ओपन हो रहा था, अभी लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हम लोग अभी देखते हैं कि हमारा साइट अभी लाइव हुई है नहीं ओके। तो सिंपल मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करा, तो जैसे क्लिक करा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लाइव अभी नहीं हुई है। बट मैं आप लोग को एक साइट दिखा रहा हूँ ओके, तो इस साइट के अंदर आप लोग को आना पड़ेगा जो कि screenshotmachine.com करके ये साइट है, यहाँ पे आप लोग उसका लिंक देख सकते हो। साइट में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग की साइट की लिंक को ना यहाँ पे ला के पेस्ट करोगे ना, अगर आप लोग की साइट लाइव है तो यहाँ पे आप लोग को देखने को बेसिकली मिल जाएगी। कभी कभार हो जाती है कि बहुत ज़्यादा कैशिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि आप लोग को इंस्टेंट दिखने को नहीं मिलता है आप लोग की साइट लाइव है या नहीं ओके। ये प्रॉपरली लाइव नहीं हुई है बट ऑलरेडी ये वर्क कर रहा है कि नहीं यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो ओके। तो बेसिकली अगर आप लोग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है ना, तो ये यहाँ पे अगर आप लोग की लिंक ऐड करोगी तो ये लाइव हुई है या नहीं यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो बेसिकली। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मेरी जो साइट की लिंक को यहाँ पे पेस्ट करा और यहाँ पे देखो फुल वुड वेबसाइट स्क्रीनशॉट के ऊपर मैंने क्लिक करा और कैप्चर वेबसाइट को ऊपर मैंने क्लिक करा। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो साइट है वो लाइव हुई है या नहीं, जो थीम हम लोगों ने चूज करा था वो ही थीम यहाँ पे दिख रहा है या नहीं ओके। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि हमारा जो साइट हम लोगों ने जो भी थीम को सिलेक्ट करा था वही सेम थीम यहाँ पे भी आप लोग को बेसिकल देखने को बेसिकल मिल रहा है। यही थीम को हम लोगों ने सिलेक्ट करा था, मतलब हमारा साइट अभी लाइव हो चुकी है ओके। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा साइट अभी लाइव हो चुकी है बट यहाँ पे भी बेसिकल देखने को नहीं मिली है कि ये लाइव हुई है या नहीं। ये कुछ देर लेता है, 2-3 घंटे के अंदर ये शायद हो जाएगा यहाँ पे भी, मतलब क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा ओके। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करी है ना, तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो गाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम लोग को आप लोग इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो करके वहाँ पे भी हेल्प मांग सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।